नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत डेढ़ दशक से चर्चित नवाते मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अमरावती महानगर पालिका ने एक बार फिर टेंडर जारी किए हैं। नए साल के पहले सप्ताह में इस टेंडर पर फैसला होने की उम्मीद है। पहले से कानूनी पछड़े में फंसे नवाते मल्टीप्लेक्स का इस बार टेंडर 23 दिसंबर को जारी हो गया था और आगामी 3 जनवरी की दोपहर 4 बजे तक इस बारे में ऑफर ऑनलाइन रूप से शहर अभियंता कार्यालय में प्रस्तावित करनी है, जिसके अगले दिन उसे खोले जाने की संभावना है। महानगर पालिका ने महाटेंडर ऑनलाइन वेबसाइट पर इस चर्चित वास्तु हेतु ऑफर मंगवाए हैं, जिसके लिए प्रीबिड बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे होने की संभावना है। टेंडर की कीमत GST मिलाकर 19,500 रुपए है। वहीं निविदा भरने वाली कंपनी को 75 लाख रुपए की सुरक्षा राशि भी मनपा के पास जमा करानी होगी। नवाते चौक पर स्थित महानगर पालिका की ये जमीन 7,442 वर्ग मीटर यानी 80,264 वर्ग फीट है, जिसके दोनों ओर सड़क है। इस पर 30 साल की लीज पर मल्टीप्लेक्स बनाने की इजाजत मनपा दे रही है, जिसके लिए महानगर पालिका द्वारा निविदा मंगाई गई है, जिसमें अपसेट कीमत कम से कम 12 करोड़ रुपए रखे जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। शहर के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना पदभार संभालने के साथ ही अमरावती शहर को अपराध मुक्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत शहर में अवैध धंधे चलाने वालों पर पुलिस की गाज गिरनी शुरू हो गई है। विगत 3-4 दिनों से शहर में अवैध शराब के अड्डों पर धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं। वहीं अब CP रेड्डी की वक्र दृष्टि शहर में वर्ली मटके का अड्डा चलाने वालों और क्रिकेट सट्टे से जुड़े बुकियों पर पड़ गई है, जिसके तहत आज सभी वर्ली मटका संचालकों व क्रिकेट बुकियों को CP रेड्डी के सामने पेश किया गया, जिन्हें CP रेड्डी ने कड़ी फटकार लगाते हुए आज तुरंत प्रभाव से अपने सभी काले धंधे बंद करने की सख्त ताकीद दी। विदेशों के बाद कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज देश में भी पाए जाने के बाद यह संक्रमण अधिक न फैल पाए, इसी हेतु स्वास्थ्य विभाग काम पर लग गया है। ऑक्सीजन प्लांट सहित कोविड अस्पतालों को तैयार रखने की सूचना केंद्र के स्वास्थ्य सचिव द्वारा दी गई है। विगत लंबे समय से तहसील मुख्यालय रहने के बावजूद विकास के मामले में पिछड़े रहने वाले भातकुली के विकास संबंधी मामलों को लेकर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के सामने मांग उठाई और भातकुली में प्रशासकीय इमारत के लिए 20 एकड़ जगह व 109 करोड़ रुपए की निधि तथा भातकुली पंचायत समिति के लिए 10 एकड़ जगह व 22 करोड़ रुपए की निधि की मांग की। इस मांग को स्वीकार करते हुए राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने 30 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने और 133 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने को मंजूरी दी है। ऐसे में अब तक किसी गांव की तरह दिखाई देने वाला भातकुली बहुत जल्द एक शहर के तौर पर विकसित होता दिखाई देगा। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने विधानमंडल के शीत सत्र दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से विधान भवन स्थित उनके कक्ष में भेंट, साथ ही विदर्भ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उपस्थित करते हुए मुद्दों पर सदन में चर्चा करते हुए निर्णय लिए जाने की मांग की। अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा आज यहां जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में अपना दर्द बयान करते हुए कहा गया कि विगत कुछ समय से विदर्भ का विकास करने के नाम पर केवल नागपुर शहर और विदर्भ के कुछ जिलों पर ही जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसके तहत अकेले नागपुर शहर में ही 1,10,000 करोड़ रुपए के विविध विकास कार्य और प्रकल्प शुरू किए गए। संभवतः इसके जरिए यह मान लिया गया है कि नागपुर का विकास करने से ही पूरे विदर्भ का विकास हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वराट कहे जाते पश्चिम विदर्भ यानी अमरावती संभाग के 5 जिले अब भी विकास से कोसों दूर है। ऐसे में पूर्वी व पश्चिमी विदर्भ के बीच विकास को लेकर असंतुलन गहरा रहा है, जिसे दूर करने के लिए विधानसभा के शीत सत्र दौरान पश्चिम विदर्भ के लिए 50,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तुरंत दिया जाना चाहिए। साईनगर परिसर में रोहित देशमुख मित्र मंडल व साई क्रीड़ा मंडल के संयुक्त प्रयासों से आयोजित पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल चषक वॉलीबॉल स्पर्धा का गत रोज शानदार समापन हुआ। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा के आखिरी दिन मुंबई के महाराष्ट्र स्पाइकर व नागपुर के ऑरेंज सिटी टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें विजय रहते हुए मुंबई की महाराष्ट्र स्पाइकर टीम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस स्पर्धा के समापन अवसर पर पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण किए गए। अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कालीचरण महाराज गत रोज नांदगांव पेठ में आयोजित धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए अमरावती पहुंचे थे। अपने इस दौरे के तहत उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के निवास पर भेंट दी, जहां पर सांसद बोंडे ने अपनी पत्नी वसुधा बोंडे व परिजनों के साथ कालीचरण महाराज की अगवानी की। इस समय उद्योजक व समाज सेवी नितिन गुरुदेव व बजरंग दल के महामंत्री संतोष सिंह गहरवार भी उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के पूर्व मंत्री छगन भुजबल विकास कामों के भूमि पूजन समारोह के लिए विगत शनिवार को शेंदुजना घाट पहुंचे थे। इस समय उन्होंने 36 वर्ष पूर्व इस शहर के साथ जुड़ी अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा कि महापुरुषों के प्रति अपशब्द कहने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बाला साहब की शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले द्वारा मनपा आयुक्त के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महानगरपालिका के अतिक्रमण पथक प्रमुख अजय बंसेले ने मनपा व पुलिस महकमे के साथ मिलकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राजापेट रेलवे अंडरपास के पास स्थित करोड़ों रुपए की कीमत रहने वाली जगह एक निजी व्यक्ति को देने के लिए 40-50 वर्षों से वहां पर रहने वाले गरीबों के निर्माण कार्य तोड़ने की साजिश रचना शुरू की है और गरीबों को धमकाया जा रहा है। अतः ऐसे अधिकारी को तुरंत पद से हटाया जाए। अंजनगांव सुरजी परिसर वासियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अंजनगांव सुरजी नगर पालिका अंतर्गत रास्तों के कॉन्क्रीटीकरण कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बेहद निकृष्ट गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस बारे में सघन जांच की जानी चाहिए। प्रभाग क्रमांक 5 अलहिलाल कॉलोनी में किए जा रहे सड़क निर्माण को निकृष्ट गुणवत्ता वाला बताते हुए परिसर वासियों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें ठेकेदार व लेबर एजेंसी का भुगतान तुरंत रोकने और मनपा के सहायक अभियंता जाधव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। रिपब्लिकन सेना द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शहर में सड़क किनारे छोटे मोटे व्यवसाय करते हुए अपना उदर निर्वाह करने वाले हॉकर्स की संख्या काफी अधिक है जिनके खिलाफ आए दिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अमरावती शहर में स्वतंत्र तौर पर पथ विक्रेता आयुक्त पद का निर्माण किया जाए। महिला मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में पुनर्वसन गांवठान वासियों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि अंजनगांव बारी ग्राम पंचायत परिसर अंतर्गत स्थित मौजे मसला में रहने वाले लोगों को घर टैक्स लागू किया जाए ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। गणेश दास राठी हाईस्कूल के मैदान पर जिला राजस्व क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन चल रहा है जिसमें 8 महकमों के अधिकारी व कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन के तहत कबड्डी बैडमिंटन व खो खो जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। कोविड काल के 2 साल बाद बहिरम में आयोजित बहिरम यात्रा में भक्तगणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 30,000 से 35,000 भक्तगणों ने बहिरम बाबा की लंबी कतारों में खड़े रहकर दर्शन किए। मेलघाट के चिखलदरा परिक्षेत्र के वैराट जंगल सफारी के वाहन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित रहने की वजह से 11 जिप्सी वाहनों को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 23 जिप्सी वाहनों को परिवहन संवर्ग में करने के लिए चालकों को अल्टीमेटम दिए गए। जेसीआई अमरावती गोल्डन प्रिंसेस क्लब का गत रोज द्वितीय पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समय निवर्तमान अध्यक्ष वैशाली जाधव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना उताणे को अपना पदभार सौंपा और नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना उताणे व उनकी टीम ने पद व गोपनीयता की शपथ लेकर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। समर्पण परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों हेतु कल रविवार 25 दिसंबर को बडनेरा रोड पर डीमार्ट के पास स्विंग जोन में बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जिसका फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स व नेत्रांजलि आई ओपनर टीमों के बीच हुआ। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने शानदार जीत हासिल करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। वहीं नेत्रांजलि आई ओपनर दूसरे स्थान पर रही। मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट के अंतिम मैच में मिहान 11 अमरावती की टीम प्रथम विजेता रही तथा भूसावल के स्वराज 11 टीम को उपविजेता का खिताब मिला। इसके अलावा अमरावती के सहारा 11 की टीम ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बडनेरा से अकोट तहसील के मोहाड़ा की ओर कार से जाते समय बीच रास्ते में टायर फटने की वजह से असंतुलित हुई कार सड़क से उतर कर पलटी हो गई। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हुई वहीं 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व घायल सभी बडनेरा शहर की नई बस्ती के मिलचाल परिसर निवासी बताए गए हैं। यह हादसा दरियापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थिलोरी फाटे के पास आज सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुआ। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीम नगर परिसर में अपने घर में आराम कर रहे फिरोज खान मियां खान नामक व्यक्ति पर एक अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर फरसे से गले पर वार किया और जानलेवा हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया। फरसे का गले पर भरपूर वार लगने की वजह से फिरोज खान बुरी तरह से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वडाली परिसर में अपनी छाती से चिपककर रहने वाले छोटे बच्चों को लेकर एक मादा बंदर या विद्युत प्रवाहित तार पर लटक गई और वहां से सुरक्षित निकलने के लिए जब उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी तो वो आधे घंटे तक वहीं लटकी रही। करीब आधे घंटे तक इस मादा बंदरिया को अपने बच्चों को बचाने के लिए काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा और किसी तरह वो अपने बच्चे के साथ जान बचाने में सफल हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरियापुर शहर के विभिन्न इलाकों में हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने आरोपियों को तलाश शुरू करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने दुपहिया वाहन सहित 73,000 रुपए का माल बरामद किया है। दरियापुर के सूफी प्लॉट निवासी राजीव शाह रशीद शाह नामक इस आरोपी ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चोरी की 6 घटनाओं की कबूली दी है।
तलेगांव थाना क्षेत्र के एरड बाजार से दाभा मार्ग पर शुक्रवार की देर रात हुई सड़क हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अमरावती जिले में रविवार को दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हुई। ये सड़क हादसे जिले के चांदूर बाजार और तिवसा थाना क्षेत्र में रविवार को घटित हुए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।